स्वागत है आप सबका। जैसे कि हम लोग 12 क्लास के लिए मैथमेटिक्स का कैप्सूल कोर्स कर रहे हैं और इस कोर्स में आज हम लोग का ये 20वां क्लास है। 30 क्लास से मैथ क्लास इसकी बात हुई थी और आज ये 20 क्लास का सफ़र पूरा होने जा रहा है। 19 क्लास तक की कहानी हुई है और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं डिफरेंशियल इक्वेशन। क्या पढ़ने वाले हैं? डिफरेंशियल इक्वेशन, अवकल समीकरण, अवकल समीकरण है ना, डिफरेंशियल इक्वेशन। और काफ़ी इम्पोर्टेंट ये चैप्टर है आपके लिए। 8वें चैप्टर को हम स्किप किए हैं क्योंकि आपको बताए भी थे कि जिन चैप्टर को आपको पढ़ने से प्रॉब्लम क्रिएट हो जाए, डाउट ज़्यादा हो या बाकी चैप्टर को भी मतलब रिवाइज करने में प्रॉब्लम हो, वैसे चैप्टर को रिवाइज कर देंगे। तो आप बड़े आराम से, बड़े प्यार से इस सब चैप्टर को पढ़िए जो पढ़ा रहे हैं हम, और बहुत बढ़िया नंबर आएगा आपका, इतना विश्वास रखिए। जल्द ही ये क्लास जैसे ख़त्म होगा, सीरीज ख़त्म होगा, आपके लिए हम लाएंगे ऑब्जेक्टिव सीरीज। एक प्यारा सा एक सीरीज चल रहा है ऑब्जेक्टिव का, एक और सीरीज आएगा, उसमें जितने भी आपके बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं सबको हम बताएंगे। और फिर बिल्कुल एग्जाम में जिस तरह से क्वेश्चन आता है उसी के पैटर्न पर एक सीरीज भी लेके आएंगे, इसमें 2-3 सेट आपको हम बताएंगे, इसको आप पढ़कर बढ़िया से रिवाइज करके आप जाएंगे एग्जाम में तो बढ़िया समझ में आएगा। तो आइए यहाँ पर 5 मार्क वाला क्वेश्चन की बात भी बच्चे कर रहे हैं, उनको भी चर्चा करेंगे। तो इस कोर्स को लेने के लिए, इस कोर्स को जानने के लिए, इस कोर्स को समझने के लिए इस नंबर पर व्हाट्सअप करके कोर्स के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। चलिए, अवकल समीकरण में क्या क्या आता है उसको समझेंगे। पहले किससे क्वेश्चन ज़्यादा आता है, देखिए एक आता है ऑर्डर एंड डिग्री, समझिए बढ़िया से जो बात बता रहे हैं, ऑर्डर एंड डिग्री। जितने भी एग्जाम आज तक हुए हैं, आपके बोर्ड एग्जाम्स की बात कर रहे हैं, उसमें इस टॉपिक से पक्का ऑर्डर एंड डिग्री, कोटि एवं घात, इससे प्रश्न पक्का आया है, एक या दो क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव। उसके बाद फिर देखिए वेरिएबल सेपरेबल, वेरिएबल सेपरेबल, वेरिएबल सेपरेबल भी आपको मतलब कि आया है, इससे भी क्वेश्चन आया है। चर पृथक्करण विधि, वेरिएबल सेपरेबल मेथड होता है, एक्चुअली क्या होता है, मेथड होता है, समझिए ध्यान से यहाँ पे अच्छा से। और फिर क्या होगा उसके बाद, आपको एक और है जिससे सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछता है और ऑब्जेक्टिव भी, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, ये भी आपको आएगा, इससे भी क्वेश्चन आता है। तो इसमें आपको होमोजेनियस स्किप कर रहे हैं और फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन स्किप कर रहे हैं। यहाँ पे समय नहीं है कि अब डेफिनेशन बताया जाए, ये 3 टॉपिक को इस क्लास में हम लोग कवर करने वाले हैं, इससे प्रश्न एराइज होते हैं, इसलिए आप अच्छा से समझने का प्रयास कीजिए, बढ़िया समझने का प्रयास कीजिए। लाइक करते चलिए और लाइक करने के बाद अपने दोस्तों में बताइएगा, जहाँ भी ऑफलाइन क्लास करते हैं वहाँ के बच्चों को बताइएगा कि क्या चल रहा है, ठीक है। चलिए, और पीछे से जिनका छूटा हुआ है उनसे रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि एक दिन में 2-2 लेक्चर देखकर, 2-2 वीडियो देखकर, 2-2 क्लास देखकर पूरा कीजिए, एक बार बढ़िया से पूरा कर लीजिएगा ना, गारंटी के साथ कहते हैं आपका नंबर 90+ से कम नहीं आएगा। तो ये सब चीज़ें हैं, आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और हम शुरू करते हैं इसके बाद अपनी कहानी जो आपके काम आएगा, ठीक है ना। चलिए, तो अब यहाँ पे मतलब कि सीखना है डिग्री एंड ऑर्डर। यहाँ पे क्वेश्चन के द्वारा हम बता रहे हैं, कंसेप्ट लिखेंगे कि फाइंड ऑर्डर एंड डिग्री, डिग्री की बात की जा रही है और ऑर्डर की बात की जा रही है, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या है, क्वेश्चन पहला लेते हैं हम, ठीक है। यहाँ पर देखिए dy by dx minus tan x is equal to 0,
इसका डिग्री कितना होगा, ऑर्डर कितना होगा। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखिए ध्यान से, डी एस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर, उसके बाद प्लस वाई इज इक्वल टू के पावर एक्स। ध्यान से देखिएगा, सब कुछ समझ में आपको आएगा। तीसरा क्वेश्चन, तीसरा है यहाँ पे क्या चीज, वाई डबल डैश प्लस वाई स्क्वायर प्लस साइन वाई बराबर जीरो। ठीक है, चौथा देखिए, चौथा है यहाँ पे डी फोर बाई डी एक्स फोर, उसके बाद दिया है प्लस साइन डी क्यू वाई बाई डी एक्स क्यू, है ना, बराबर जीरो। ये आपको यहाँ पे समझने वाली बात क्या है, समझिए, फाइंड ऑर्डर एंड डिग्री, घात निकालना है, कोटि निकालना है। ठीक है, बहुत ही बढ़िया बात है, समझने का प्रयास कीजिए यहाँ पे अच्छा से। सबसे पहले देखिएगा, जब भी आपको डिफरेंशियल इक्वेशन दिखाई दे उसमें देखिएगा कि डेरिवेटिव कहाँ कहाँ है। इसमें यहाँ पर डेरिवेटिव है, और कितना बार डिफरेंशन किया गया है, दो बार किया गया है। तो जितना अधिक बार डिफरेंशन किया गया, जहाँ जहाँ डिफरेंशन किया गया है उसमें क्या है कि हम देखेंगे कि सबसे अधिक बार कहाँ किया गया है। तो सबसे अधिक बार यहाँ पर एक बार किया गया ही है, वो भी एक बार। तो जैसे मान के चलिए एक एग्जाम्पल लेते हैं यहाँ पे, जैसे डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई बाई डी एक्स, मैंने एक एग्जाम्पल लेते हैं, ऐसा सेटिंग अपने मन से लिख रहे हैं, इस पर कोई चीज़ आपको मतलब कि ज़्यादा दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है। हमारे ख्याल से एक बात समझाना चाहते हैं, अब डिफरेंशियल इक्वेशन ये डिफाइंड एक नहीं है, इस पर चर्चा हम नहीं करना चाहते हैं कि ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन लेके चल रहे हैं। ठीक है, अब इसमें क्या है कि कहाँ कहाँ डिफरेंशियल हुआ है, यहाँ हुआ है, फिर यहाँ हुआ है, ये दो जगह हुआ है। अब दो जगह ध्यान देना है हमको, दोनों में कहाँ पे अधिक बार हुआ है, सबसे अधिक कहाँ हुआ है, तो यहाँ पे, वहीं यहाँ दो बार हुआ है और यहाँ पे एक बार हुआ है। तो जहाँ पे ज़्यादा बार हुआ रहेगा वहीं क्या कहलाएगा, उसका ऑर्डर कहलाएगा। तो इसका ऑर्डर बोलिए क्या होगा, इसका ऑर्डर कितना होगा, ऑर्डर कितना होगा, अगर ये डिफरेंशियल इक्वेशन दिया तो इसका ऑर्डर कितना होगा, इसका ऑर्डर दो हो जाएगा। क्लियर, और सबसे अधिक बार जहाँ डिफरेंशियल हुआ है उसका पावर चेक करेंगे, पावर कितना इसका एक है, तो क्या हो जाएगा, डिग्री इसका हो जाएगा एक, डिग्री कितना हो जाएगा, एक हो जाएगा। समझिए, इसमें तो यहाँ पर डिफरेंशियल किया गया है, एक बार किया गया है, इसलिए इसका जो मतलब कि ऑर्डर है वो क्या हो जाएगा, ऑर्डर हो जाएगा वन। ऑर्डर कितना होगा, वन होगा, यहाँ पे डिग्री वन लिखा था, ऑर्डर कितना हो जाएगा, वन हो जाएगा। और इसका पावर कितना है, इसका पावर कितना है, इसका पावर एक है, इसका पावर एक है, तो डिग्री भी क्या हो जाएगी, वन है, डिग्री भी क्या हो जाएगी, वन हो जाएगी। आइए जरा इस पर ध्यान देते हैं, इसमें देखिए, इसमें देखिए, इसमें यहाँ डिफरेंशन किया गया है, कितनी बार किया गया है, एक बार किया गया है, तो ऑर्डर जो है यहाँ पे, ऑर्डर जो है वह एक होगा। ठीक है, और इसका इसका पावर कितना है, दो है, तो यहाँ पे डिग्री जो है वह दो हो जाएगा। आइए इसमें कहाँ डिफरेंशन किया गया, यहाँ पे किया गया है और यहाँ, अब नहीं एक है, तो यहाँ बोलिए कितना बार किया गया है, दो बार, तो ऑर्डर जो है, ऑर्डर आपका दो हो जाएगा। और इसका पावर कितना है, इसका पावर एक है, तो डिग्री कितना हो जाएगा, डिग्री हो जाएगा वन। इसमें आइए इसमें सबसे अधिक बार डिफरेंशन कहाँ किया गया, यहाँ पे किया गया है, तो ये चार बार किया गया है, तो डिग्री चार हो जाएगा। ऑर्डर कितना हो जाएगा, चार हो जाएगा, ऑर्डर गलती हो गई, यही ऑर्डर कितना होगा, चार होगा, क्योंकि कितना बार डिफरेंशन किया गया, सबसे अधिक बार, चार बार, इसका ऑर्डर कितना होगा, चार होगा। ठीक है, मतलब किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन के हाई में हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव चुनना है, तो चार बार किया गया, ऑर्डर चार हो गया। अब रही बात कि सर डिग्री इसका कितना होगा, डिग्री इसका कितना होगा, इसका तो पावर एक दिख रहा है, तो क्या एक होगा, जी नहीं होगा एक। बोलिएगा सर क्या बात है सर, अभी तो कह रहे थे कि यहाँ पे देखिए एक बार ऑर्डर इसका एक हो रहा है,
इसका हाईएस्ट पावर दो है यहाँ पे, तो इसका डिग्री दो हो गया। यहाँ पे कह रहे हैं कि ऑर्डर तो चार निकल गया, डिग्री कह रहे हैं कि नहीं होगा। सर मैंने गड़बड़ बात है, बिल्कुल गड़बड़ बात नहीं है। देखिए अब यहाँ पे एक चीज़ यहाँ पे आ रहा है, इस क्वेश्चन को इसलिए डाले हैं हम समझाने के लिए, यहाँ पे एक चीज़ आ रहा है, ठीक है ना, उसको समझने का प्रयास कीजिए। ठीक है, क्या है समझिए बढ़िया से, यहाँ पे क्या है कि साइन है। और एक बात याद रखिएगा, इस क्वेश्चन को हम पोस्टपोन करते हैं, यहाँ डिटेल्स में इसका डाटा देंगे, इसको स्क्रीनशॉट लीजिए तब समझाएंगे अच्छा से। आइए यहाँ पे इसका लॉजिक समझा जाए। हाँ देखिए, हमेशा याद रखिएगा, हमेशा, ठीक है ना, क्लियर, जनरली जनरली सामान्यतः सामान्यतः एक बात होती है, ठीक है ना, कौन सी बात होती है कि देखिए साइन रहे कॉस रहे कुछ भी रहे, साइन हो कॉस हो कुछ भी हो, डीवाई बाई डी एक्स आ रहा है, मतलब इसके अंदर डेरिवेटिव आ रहा है, कोई डेरिवेटिव आए, ठीक है ना, e के पावर डीवाई बाई डी एक्स आ जाता है, ठीक है, या आपको लॉग की जनरली बात करें, सामान्यतः बात कैसा होता है, ऐसे आ जाए एक इक्वेशन के रूप में आ जाए, तो इस केस में क्या होता है, ऑर्डर जो होता है ऑर्डर डिफाइंड रहता है, बट डिग्री जो होता है, डिग्री क्या है, नॉट डिफाइंड होता है, नॉट डिफाइंड, डिग्री क्या होता है, नॉट डिफाइंड होता है, ये नॉट डिफाइंड, एन डी, नॉट डिफाइंड, समझ रहे ना। तो क्या है यहाँ पे कि ऑर्डर डिफाइंड है, डिग्री नॉट डिफाइंड है, कब ऐसा होगा, तो इसमें क्या है, साइन है, साइन क्या डेरिवेटिव है, तो ऑर्डर तो पता है कि चार बार किया गया चार होगा, लेकिन डिग्री क्या होगा, डिफाइंड नहीं होगा। इस बात को भी आपको समझना काफ़ी जरूरी है, क्लियर। चलिए चलिए आगे हम लोग समझते हैं, डिग्री ऑर्डर का बात समझ में आ गया। इसके बेस पर आपको ना एक्सरसाइज, जो क्लास ओवर नहीं हुआ है बस समझिए अभी, 9.1 बुक क्या है, एनसीईआरटी है, एनसीईआरटी बुक है, इसके इस बुक के एक्सरसाइज 9.1 को आपको बनाने हैं पूरा ऑल क्वेश्चन, क्योंकि आपको प्रैक्टिस हो जाएगा, ठीक है ना। अब आते हैं दूसरा टॉपिक, क्या लिखे थे, वेरिएबल सेपरेबल, वेरिएबल सेपरेबल जब बता देंगे तब आएंगे हम लोग लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन पे। चलिए आते हैं उस पर, चलिए स्क्रीनशॉट फटाफट लीजिए, तो थोड़ा सा डिस्टर्बेंस है बगल में, वो डॉग्स बार्किंग कर रहे हैं। चलिए आ जाइए अब अगले पैटर्न पे, चलिए यहाँ पे लेते हैं, टॉपिक लिख देंगे वेरिएबल, वेरिएबल सेपरेबल, मेथड, वेरिएबल सेपरेबल मेथड, है ना, ये चीज़ बहुत बड़ा शानदार तरीके से, मतलब कि एक तरीका रहेगा। चलिए इससे क्वेश्चन ही समझिए, यहाँ पे, यहाँ पे क्वेश्चन जब देंगे ना आपको तो मज़ा आ जाएगा। डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई बाई एक्स दिया है, ज़रा सुनिए, इस क्वेश्चन कैसे भी दे सकता था ना, कैसे, एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स इज इक्वल टू जीरो, इस क्वेश्चन को ऐसे भी दिया जा सकता था। देखिएगा ऐसे क्वेश्चन पूछा गया होगा, ठीक है ना, ऐसे दे सकता था, ठीक है, क्लियर। एक और बात सुनिए, यहाँ पे कैसे सॉल्व करेंगे, सॉल्यूशन की बात समझनी पड़ेगी ना आपको। यहाँ देखिए क्या है, डी वाई बाई डी एक्स, तरीका सीखिए पहले, वाई बाई एक्स है, इसका फंड एक ही बात कहना चाहेंगे कि डिफरेंशियल इक्वेशन से दिया रहेगा, कुछ भी दिया रहे, ठीक है ना। वेरिएबल सेपरेबल मेथड को आप कैसे बनाएंगे, मतलब कि आपको आइडिया लग जाना चाहिए, देखते हैं क्वेश्चन को, मैंने क्या करें कि फॉर्मूला बन जाए, तो हमको पता चला देखकर क्या पता चला कि ये जो क्वेश्चन है ना, हम एक्स वाले के पास कर दे, तो मतलब जो भी फंक्शन रहेगा उसमें क्या कीजिएगा आप कि वाई वाले को वाई वाले के साथ और एक्स वाले को एक्स वाले के साथ आप कर दीजिए, ऐसे कर दीजिएगा, दोनों इंटीग्रेशन कर दीजिएगा, जो भी डिफरेंशियल इक्वेशन होगा उसको सेपरेट कर दीजिएगा, वाई वाले के पास, एक्स वाले के पास, उसके बाद दोनों और इंटीग्रेशन कर दीजिएगा, राइट। तो अब यहाँ से वही कहानी, तो यहाँ शुरू हुई वही कहानी की बात, यहीं कर रहे हैं हम, क्या करेंगे बताइए, वही कहानी यहाँ भी है, ठीक है, कि अब क्या होगा, देखिए यहाँ पे
क्या होगा, तो 1 बाई एक्स वाई चलाएगा इधर डी वाई बराबर, और ये चल जाएगा उधर, तो 1 बाई एक्स डी एक्स। जरा देखिए बढ़िया से, तो यहाँ देखिए इसका इंटीग्रेशन करेंगे दोनों साइड में हम लोग, लॉग वाई पल बराबर बराबर लॉग मॉड एक्स ए मॉड वाई, ठीक है, प्लस अब यहाँ सी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ भी आंसर हो सकता है। बट देखिए जब इधर वाला पार्ट पूरा लॉग में हो, इधर वाला पूरा पार्ट लॉग में हो, एक लॉग सी की जगह पे क्या लिख सकते हैं, लिख देते हैं हम लोग लॉग सी लिख देते हैं। चलिए तो लॉग वाई इज इक्वल टू मॉड की चर्चा थोड़ा सा दूर करते हैं, ये आपस में क्या होगा, आपस में गुना होगा, क्योंकि देखिए अब मॉड हटाइए टेंशन होगा आपको। चलिए कहिएगा सर मॉड क्या क्या कर दिए, ठीक है ना, तो क्या होगा यहाँ लॉग ए प्लस लॉग बी क्या निकलता है बताइएगा जरा, लॉग बी रहता है तो क्या लिखते हैं बोलिए, लॉग ए गुने बी लिखते हैं, है ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा लॉग एक्स गुने सी होता है, तो इसीलिए वाई बराबर क्या हो जाएगा एक्स सी हो जाएगा, बराबर क्या एक्स सी हो जाएगा, एक सेकेंड रुकिए समझ गया ना बात क्लियर, वाई बराबर क्या हो जाएगा लॉग एक्स सी, लॉग हट गया तो वाई बराबर एक्स सी हो गया। अब ये बात है कि सर यहाँ पे आप लॉग सी लगवाए, जी बिल्कुल सुविधा के लिए, ऐसे ऐसे आप सी भी लिख देते कोई दिक्कत नहीं होता, लेकिन लगाने से फायदा हो गया इसलिए ऐसा किए हैं। चलिए अभी भी कुछ क्वेश्चन दे रहे हैं, इससे क्वेश्चन कुछ करवाएंगे तब तो जाकर समझ में आएगा ना। चलिए आगे बढ़िए, आगे कुछ क्वेश्चन लेते हैं, दूसरा क्वेश्चन इस पे एग्जांपल का क्या है, डी वाई बाई डी एक्स ठीक है इज इक्वल टू वन प्लस वाई स्क्वायर बाई वन प्लस एक्स स्क्वायर। चलिए क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे दिमाग लगा देंगे, एक्स वाले के पास वाई वाले के पास डी वाई बराबर वन बाई वन प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स, ऐसे ऐसे। चलिए टेन का फॉर्मूला है ना, टेन इनवर्स क्या हो जाएगा वाई इज इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स प्लस सी, ये भी आंसर हो सकता है, बट यहाँ देखिए इसको लेंगे इधर, तो टेन इनवर्स वाई माइनस टेन इनवर्स एक्स इक्वल टू सी, टेन इनवर्स वाई माइनस टेन इनवर्स एक्स का फॉर्मूला क्या होता है देखिए क्या होता है, टेन इनवर्स देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो वाई माइनस एक्स बाई वन माइनस एक्स वाई इज इक्वल टू सी, तो यहाँ देखिए यहाँ पे वाई माइनस एक्स बट्टा वन माइनस एक्स वाई वन माइनस एक्स वाई इज इक्वल टू, यहाँ माइनस होता क्या हो जाएगा यहाँ प्लस होता है बुआ यहाँ प्लस होता है बराबर टेन सी हो जाएगा, और यही क्या हो गया हमारा आंसर हो गया, क्लियर बस समझ गए ना। तो इस तरह से और भी क्वेश्चन इस पर करवा रहे हैं ताकि और बेनिफिट आपको मिले और कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, ठीक है। चलिए स्क्रीन शॉट ले लीजिए आप लोग, आइए और क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पे और भी क्वेश्चन बहुत सारे हैं, जितने क्वेश्चन देखेंगे ना आप उतना ही आपको बेहतर तरीके से समझ में आपको आएगा, लॉट ऑफ क्वेश्चन हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जो समझनी चाहिए आपको, नहीं समझेंगे आप तो दिक्कत तो होना स्वाभाविक है, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे है क्वेश्चन देखिए, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू ई के पावर एक्स प्लस वाई, ऐसे भी क्वेश्चन दिया गया है, तो कैसे सोल्व करेंगे, डी वाई बाई डी एक्स ई के पावर एक्स प्लस वाई, क्या इसको हम लोग ब्रेक कर सकते हैं, बिल्कुल ई के पावर एक्स इंटू ई के पावर माइनस ई के पावर वाई कर सकते हैं हम लोग, है कि नहीं है। अब देखिए यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स, सिंपल बात समझिए, एक्स वाले के पास लाइए और वाई वाले के पास, तो वाई वाला आएगा इधर, तो क्या होगा वन बाई ई के पावर वाई डी वाई इज इक्वल टू ई के पावर एक्स डी एक्स, दोनों इंटीग्रेशन कर देंगे,
ई क्या हो जाएगा, ई के पावर माइनस वाई डी वाई, ई के पावर एक्स डी एक्स, है ना। तो अब क्या हो जाएगा, ये ई के पावर माइनस वाई माइनस लग जाएगा यहाँ पे, बराबर ई के पावर एक्स प्लस सी। क्लियर बात है, समझ में आया कि नहीं आया। अब देखा जाए, अगर सिंपल बात है तो एक काम कर सकते हैं हम लोग, ठीक है ना। इसको लाइए इधर, तो माइनस ई के पावर माइनस वाई, है ना, माइनस ई के पावर एक्स बराबर सी, दोनों तरफ माइनस से गुना कर दीजिए तो हो जाएगा ई के पावर माइनस वाई प्लस ई के पावर एक्स बराबर माइनस सी। इसके बदले लिख देंगे ई के पावर माइनस वाई प्लस ई के पावर एक्स बराबर कैपिटल सी। यही क्या हो गया, हमारा आंसर हो जाएगा। एक बार चेक कीजिए, इसको हम लोग क्या किए, ऐसे ब्रेक कर दिए, ठीक है। इस ई के पावर वाई वाले को नीचे लाए, डी वाई इसको ले गए यहाँ पे, तो माइनस वाई, उसके बाद क्या हुआ, ई के पावर एक्स लग गया। तो ई क्या हो जाएगा, माइनस ई के पावर माइनस वाई, ई के पावर एक्स प्लस सी, ऐसे कर दिए इसको, इस तरह से सॉल्व किए हैं। यहाँ भी आंसर हो सकता था। तो ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, राइट। तो आपको इसमें प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, क्लियर। अब आइए थोड़ा सा देखते हैं, होमवर्क देते हैं आपको, क्या चीज़, एक्सरसाइज जो कार्यक्रम तक कीजिएगा, एक्सरसाइज 9.4 एनसीईआरटी बुक है, है ना, और प्रैक्टिस के लिए 1 से लेकर 10 तक। एक बार थीम समझ में आ जाएगा ना, सारा चीज़ समझ में आएगा। और आपको बता दें कि प्लेलिस्ट में, जो प्लेलिस्ट है उसमें एक वन शॉर्ट सीरीज का एक ऑब्जेक्टिव सीरीज है, उसमें 7 चैप्टर तक अब तक हम पढ़ाए हैं, और जो भी है उसमें जो भी वीडियोज हैं, जो भी ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन है उसको आप देखिएगा, बड़े मज़ेदार कॉन्सेप्ट और ट्रिक उसमें हम डाले हैं। तो आपको बता देना चाहते हैं कि वो चीज़ आपके लिए समझिए कि संजीवनी बूटी है, देखा जाए तो बहुत ही मज़ेदार चीज़ उसमें है, देखिएगा। तो 1 से लेकर 10 तक के सभी क्वेश्चन को प्रैक्टिस कीजिएगा, बड़ा मज़ा आएगा। आइए अब हम लोग लास्ट टॉपिक पर देखते हैं, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। यहाँ देखिए, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, और इस पे चर्चा करते हैं, और फिर चर्चा करके पूरा क्वेश्चन फिर लेंगे। यहाँ पे आइएगा, देखिए समझिए बढ़िया से, इसमें एक स्पेशल फॉर्म को समझिए, डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है ना, उसके बाद प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू। बढ़िया समझिए, अच्छा से यहाँ पे एक बात समझिए, जो पी जो है और क्यू जो है, इसके बारे में एक बात समझिए, या क्या होगा, फंक्शन ऑफ एक्स या कॉन्स्टेंट्स होंगे, एक्स का फंक्शन होंगे या कॉन्स्टेंट्स होंगे, एक्स का फंक्शन या कॉन्स्टेंट, ये दो चीज़ें आपको जाननी पड़ सकती है, समझनी चाहिए। अब इसमें एक चीज़ आता है, देखिए समझिए बढ़िया से, टू द पॉइंट, इस फॉर्म में जो डिफरेंशियल इक्वेशन होता है वह उसी को बोलते हैं लीनियर, क्या, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। अब दूसरी बात समझिए, या इसमें से एक चीज़ निकलता है आई एफ इंटीग्रेटिंग फैक्टर, समाकल्य गुणांक, तो समाकलन गुणांक कह सकते हैं इसको। तो क्या होता है, ई के पावर पी डी एक्स, ये होता है। और ये निकालते समय कुछ आपको चीज़ें यूज पड़ेंगी, कि ई के पावर लॉग एक्स का मान क्या होता है, तो एक्स होता, याद रखिएगा, मतलब अगर एफ एक्स है तो एफ एक्स हो जाएगा यहाँ पे। एक और चीज़ यार इसमें यूज करे पड़ेगा, कि एक्स के पावर माइनस वन का मान क्या होगा, 1/x होगा, चाहे एन रहेगा तो क्या होगा, 1/x के पावर एन होगा, समझ रहे ना, सब चीज़ें इसमें यूज होंगी। उसके बाद देखिए, लॉग यहाँ पे एक्स का पावर अगर एम है तो क्या होगा, एम इंटू लॉग एक्स, ये हो जाएगा। क्लियर, ये सब चीज़ें हैं, आज समझ गए ना, आगे भी बात को क्लियर समझिए। चलते चलिए, यहाँ देखिए, यहाँ भी देखिए, इसका सोल्यूशन क्या होगा, सोल्यूशन इसका सोल्यूशन देखिए क्या होगा, सोल्यूशन y इंटू आई एफ इज इक्वल टू
IF इंटू क्यू डी एक्स प्लस सी कर सकते हैं। तो ये क्या हुआ, एक थीम हो गया आपके मोटा मोटी तौर पे, इतना लॉजिक हो गया, क्लियर लॉजिक हो गया जो काम करेगा, क्लियर। अब जरा ध्यान से देखिए यहाँ पे क्या है, उसको समझने की कोशिश करनी है आपको, ठीक है। देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल जितना देंगे उतना बेहतर तरीके से समझ में आएगा। आपसे रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि आप ज़्यादा देर तक ऑनलाइन क्लास करने का सकता ना करें। मतलब क्या बोल दिए हम, ऑनलाइन क्लास करने का मतलब कि सबसे पहले जितना आधा घंटा हो, एक घंटा हो, जो भी हो, आप सीरियसली लगातार उस क्लास को देखिए, मोबाइल ऑफ कीजिए और फिर कॉपी किताब में मतलब कि आप लग जाइए। क्योंकि देखिए अभी आपका एग्ज़ाम ऑफलाइन चल रहा है, एग्ज़ाम तो ऑफलाइन होगा, बोर्ड एग्ज़ाम ऑनलाइन होगा नहीं, तो आपका जितना पेपर पे कमांड रहेगा ना, इतना पेपर पे कमांड रहेगा, किताब पे कमांड रहेगा, वहाँ आपको प्रॉफिट होने वाला एग्ज़ाम में। ज़्यादा मोबाइल पर चक्कर रहेगा, दिक्कत हो जाएगा। तो आप जो ज़रूरी चीज़ें हैं उसको देखिए और फिर आपको जाके पेपर पे काम कीजिए, बुक पे काम कीजिए, लेकिन हाँ कंट्रोल कीजिए, पूरी चीज़ों को देखिए, समझिए, यहाँ से कंसेप्ट यहाँ से लीजिए, फिर पढ़िए। इसलिए हम क्लास बहुत कम देर का लेते हैं, जैसे दो दो घंटा का टाइम नहीं काटते हैं, कम देर में सॉलिड कॉन्सेप्ट, अच्छा कॉन्सेप्ट देकर आपको काम बन जाता है। आइए आगे देखते हैं। कभी कभी पढ़ाते समय क्या होता है, कभी कोई मतलब मीनिंग में कोई मतलब डिफॉल्ट आ जाता है या कोई माइनस प्लस में गड़बड़ हो जाता है, तो थीम समझिएगा। माइनस प्लस में गड़बड़ होना कॉमन चीज़ है। ज़्यादा काम हम करते हैं, ज़्यादा चीज़ें हम पढ़ाते हैं, ज़्यादा समय हम देते हैं, ज़्यादा मेहनत हम करते हैं, तो गलती भी तो हमसे ही होगी ना। जो साफा नहीं कम करता है, जो साफा कुछ नहीं पढ़ाता है, चाहे साफा बैठे रहता है, तो उससे गलती नहीं होती है। जो काम करते हैं, जो एक्शन लेते हैं, उनसे मिस्टेक होती है। मिस्टेक को हम एक्सेप्ट करते हैं। जैसे अपना ही वीडियो देखते हैं कभी कभी हम, तो उसमें देखते हैं कभी कभी मिस्टेक हुआ है माइनस। जैसे इसके पहले दो मार्क का क्वेश्चन कराए थे, उसमें तीसरा नंबर जो क्वेश्चन था उसमें एक मिस्टेक था माइनस में। सिंपल प्रॉब्लम, बच्चे देख लेंगे कि सर मिस्टेक है। तो ये सब चीज़ें आपको मतलब ज़्यादातर ध्यान देने वाली चीज़ है। आप इरिटेट ना होइए, आराम से पढ़िए और विश्वास के साथ पढ़िएगा, बहुत बढ़िया होगा, ठीक है ना। प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, ये मेन थीम है मेरे कहने का मतलब आदमी का। चलिए एक प्यारा सा शानदार और शानदार झनकार क्वेश्चन देखा जाए, जानदार क्वेश्चन, उसके बाद तो फिर आपकी बाजी पलटेगी। तो क्वेश्चन आपके लिए लेते हैं, कौन सा, चलिए यहाँ पे क्वेश्चन है, सॉल्व कह रहा है, किसको सॉल्व करने के लिए कर रहे हैं, तो x डिवाइड बाई डी एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू टू एक्स क्यू, है ना, x इज ग्रेटर देन जीरो। चलिए यही कहानी है, यही बात है और यही चीज़ समझने की कला है। सबसे पहले हमको करना क्या है, जो भी क्वेश्चन आएगा उस क्वेश्चन को डी वाई बाई डी एक्स, है ना, प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू क्यू, इस फॉर्मेट में बदलने की कोशिश आपको करनी है। क्या करनी है हमको, बदलने की कोशिश करनी है, राइट। चलिए यहाँ देखिए सिंपल बात, सॉल्यूशन करने का लॉजिक, एक्स डिवाइड बाई डी एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू टू एक्स क्यू, ये हो जाएगा, क्लियर। अब क्या होगा, देखिए यहाँ पे सभी टर्म में x से डिवाइड कर देंगे, तो डिवाइड बाई डी एक्स माइनस वाई बाई एक्स इज इक्वल टू टू एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा, ठीक है, सब में डिवाइड किया x से। अब कंपेयर करेंगे यहाँ पे, तो इसलिए p का मान कितना है, माइनस वन बाई एक्स है, q का मान कितना है, टू एक्स स्क्वायर है। p का मान माइनस वन बाई एक्स है, q का मान कितना है, टू एक्स स्क्वायर है। तो इसलिए यहाँ पे हम निकालेंगे if, देखिए if कैसे निकालेंगे, e के पावर pdx, pdx क्या होगा, e के पावर माइनस वन बाई एक्स डी एक्स, यही तो सिस्टम है ना। चलिए क्या हो जाएगा, ये e के पावर माइनस बाहर निकलेगा, लॉग x हो जाएगा ये, ठीक है। आइए देखिए यहाँ पे कोई आपको दिक्कत नहीं होगी, तो अब देखिए क्या होने वाला है, ये हो जाएगा आपको e के पावर लॉग x के पावर माइनस वन, मतलब हो गया e के पावर
लॉग एक्स है तो क्या होगा, लॉग एक्स के पावर माइनस वन है तो क्या हो जाएगा, एक्स के पावर माइनस वन बाहर निकल जाएगा। इसको क्या लिख देंगे हम लोग, बराबर साइन लीजिए आप, क्या लिख देंगे हम लोग, वन बाई एक्स लिख देंगे। तो ये निकल गया आपको आई एफ। आई एफ निकालने के बाद काम आता है सोल्यूशन का, तब लिखेंगे इसलिए सोल्यूशन इज वाई इंटू आई एफ इज इक्वल टू आई एफ गुने क्यू डी एक्स, ये हो जाएगा। अब जरा ध्यान दीजिए यहाँ पे, वाई आई एफ का मान कितना है, आई एफ का मान, आई एफ आपका है बोलिए वन बाई एक्स इज इक्वल टू वन बाई एक्स, और क्यू का मान कितना है, क्यू का मान यहाँ से कन्फर्म करेंगे ना, टू एक्स स्क्वायर डी एक्स। चलिए अब जरा ध्यान दीजिएगा, यहाँ से कटेगा एगो, क्लियर। तो अब क्या है ना, यहाँ देखिए वाई बाई एक्स बराबर टू एक्स स्क्वायर बाई टू प्लस सी, कट जाएगा ये, ठीक है, इसलिए वाई इक्वल टू एक्स क्यू प्लस सी एक्स, यही क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग काम करेंगे, इस तरह से काम करेंगे तो जाके काम बनेगा, बात समझ रहे ना। मेरे कहने का अर्थ ये है कि आप हमेशा कॉन्सेप्ट की ओर बढ़िए, कॉन्सेप्ट की ओर भागिए। जब भी देखिए क्वेश्चन जो था वो इस फॉर्म में नहीं था, हमने क्या किया कि बिल्कुल पहले इस फॉर्म में रखने की कोशिश की, इस फॉर्म में लाया, पहले सेट किया, उसके बाद तब पी कन्फर्म किया, फिर क्यू कन्फर्म किया, तब पता चला कि आई एफ का फॉर्मूला ये होता है, आई एफ निकाला। आई एफ क्यों निकाला, क्योंकि हमको पता है कि सोल्यूशन का जो फॉर्मूला होता है ये, इसमें आई एफ का ही जिक्र है, तो आई एफ निकाला, फिर सोल्यूशन में बैठाया, यहाँ से सॉल्व किया, शानदार तरीके से आंसर निकल गया। आप बताइए कितना क्लियर कट हिसाब है ये, कितना क्लियर कट कॉन्सेप्ट है। तो डिफरेंशियल इक्वेशन से इस टॉपिक के अलावा अब आपसे क्वेश्चन नहीं आएंगे, ठीक है ना, और आएंगे भी तो ऑप्शन आएंगे और क्या कहते हैं, और में भी सब ऐसा भी आएगा, ये सब तीनों टॉपिक को छुआ जाएगा एग्जाम में। तो आपको होमवर्क देना चाहते हैं कि एनसीईआरटी का क्या है, एनसीईआरटी 9.6, एनसीईआरटी का 9.6 आप ज़रूर देखें, और कहाँ से 1 से लेकर 10 तक पूरा बढ़िया से बना लीजिएगा। सॉल्यूशन भी अवेलेबल है यूट्यूब पे, आप सर्च कीजिएगा 9.6 बाय आरके सिंह, तो आपको आ जाएगा, पुराना ही क्लास होगा, कुछ दिन पहले बनाए थे, तो कुछ भी हो आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा। और बढ़िया से रिवाइज कीजिएगा एक बार, 25 तारीख तक सारा काम कर लेना है। अब अगला क्लास जो आएगा उसमें 21वां क्लास जो होगा, हम 30 क्लास में कहे थे ना, इसके पहले ख़त्म करेंगे। अब डिफरेंशियल इक्वेशन पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराने वाले हैं हम, ठीक है ना, इसके बाद सब्जेक्टिव होगा, ऑब्जेक्टिव होगा। ऑब्जेक्टिव के लिए वन शॉट जो सीरीज चल रहा है, वही सीरीज का डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑब्जेक्टिव सीरीज क्वेश्चन देखिएगा आप लोग, तो बड़ी मज़ेदार बातें हैं, समझिए और बढ़िया से क्लियर कीजिए बात को। तो इस चीज़ को देखना है, समझना है, और फिर मिलते हैं अगले क्लास में आप सबके साथ में। और इसके बाद ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखना है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के बाद तब क्लास होगा किस चीज़ का, वेक्टर का, उसके बाद 3D का, तब मज़ा आएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।